लॉकडाउन के दौरान फीस माफी का मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। कौन है यार? हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर जी, मैं चिंटू के स्कूल से बोल रही हूँ। चिंटू, तूने स्कूल खोल लिया? हमारे चिंटू ने स्कूल खोल लिया? हमें लगा तू निठल्ला ही मरेगा, बताया भी नहीं तूने। ए सुनती हो, अपने चिंटू ने स्कूल खोल लिया? क्या मेरे लाल ने स्कूल खोल लिया? I am so क्या बोलते हैं, गर्व ऑन यू बेटा, गर्व। मुझे पता था मेरा लाल एक दिन कामयाब, बहुत कामयाब होगा। अपन ने स्कूल का खोल लिया ब्लू, अपन को ही नहीं पता। जिस चीज से अपन सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, अपन ने वही खोल ली। स्ट्रेंज सर, चिंटू के स्कूल से मतलब जिस स्कूल में आपका लड़का पढ़ता है वहाँ से बोल रही हूँ। अब क्या हो गया भैया, अब तो घर में रहकर पढ़ाई कर रहा, क्या कर दिया इसने, क्या शिकायत हो गई? अरे अरे अरे, कोई शिकायत के लिए फोन नहीं लगाया है सर। तो नई नई जियो खरीदी है क्या, जो ऐसी मुफ्त में हर किसी को फोन पेल रही है? सर फीस के लिए फोन लगाया है, आपके लड़के की फीस ड्यू है, इसको जल्द से जल्द भरवाएं। कहाँ से दे दे फीस मैडम जी? सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं UPI, बैंक टू बैंक, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हैं, पर यहाँ आपको PPE किट पहन के आना पड़ेगा। मेरा मतलब ऐसे कैसे दे दे पैसे, होए तो दे पैसे, जैसे तैसे चला रहे घर, थोड़े बहुत कमा के पैसे, तुमको कैसे दे दे पैसे? ऐसी तैसी हो गई लॉकडाउन में, तुम आ गए फीस लेने, तुम्हारी माँ का। वो मैं समझ रही हूँ सर, पर आपको फीस तो जल्द से जल्द जमा करानी होगी, नहीं तो आपके लड़के का ऑनलाइन क्लासेस से नाम कट जाएगा। तुम्हारी तो क्या हो गया जी, क्या कह रहे जी? फीस मांग रहे यार साले, होए तो दे। क्यों रे, तुम्हारे अब्बा छोड़ के गए थे खजाना यार लॉकडाउन में, घर में चाय शक्कर नहीं है, इन्हें फीस दे दे। देर से बोल रहा था प्राइवेट में मत डलवा, लूटते हैं, अब भुगतो, दो इनको झोला भर के फीस। तो क्या सरकारी में डाल देते, गाय भैंस चराता? प्राइवेट में भी जाके कुछ उखाड़, निराश तुम्हारा लाल। सर अगले मंडे तक लास्ट डेट है, तब तक करवा दीजिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद आपका लड़का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हेलो 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 हेलो, फोन रखती है मादर जा। अरे पापा, एक रुपए नहीं देना है अपन को, इनको लूट रहा है साल रही। हमारे मास्टर ब्लू को एक रुपए सैलरी नहीं दी इन टीचरों ने पिछले 3 महीने से, बेचारे कितनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं हमको। अब वो बात अलग है कि हम पढ़ नहीं रहे, उनके मजे ले रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ कुछ गलत होने देंगे। कोई एक रुपए नहीं देगा हमारे क्लास में से, एक रुपए नहीं देगा इन टीचरों को। ब्लू, अरे बेटा हो तो दे, लॉकडाउन में सबकी हालत टाइट है और इनको फीस चाहिए भिख मंगे साले, और वो भी पूरी। ससुर से ट्यूशन फीस लो ना, जो कि अब इनने डबल भी कर दी। oh, no. ज्यादा करा ना तो पुलिस स्टेशन, DC, AC, DSP, IS, IS, AM, PM, CM सबके पास जाएंगे, पर एक रुपए नहीं देंगे इनको।